हेलो गाइस, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो कबूतर जो मैंने रेस्क्यू किया था, जंगली कबूतर, उसकी मैं आपको आज फीडिंग दिखाने वाला हूँ। जैसे कि फीड कैसे करते हैं वो तरीका आपको मैं बताऊँगा आज, तो कबूतर के बारे में। ऐसे तोतों की तो अभी फीडिंग वीडियो बनाई नहीं है मैंने, वो भी बहुत जल्द आएगी वीडियो आपके पास, लेकिन आज मैं आज दिखाऊँगा इस रेस्क्यू कबूतर की वीडियो, जो जंगली कबूतर है इसकी रेस्क्यू या तो इसको किस तरीके से फीडिंग करवाते हैं तो वो वीडियो दिखाएंगे। जैसे बहुत से लोगों के पास या तो घर में होते हैं तो ऊपर से गिर जाते हैं या फिर कहीं से मिलते हैं तो फीडिंग करवाने में मसला होता है, तो मैं आज वही फीडिंग करवाना सिखाऊंगा मैं आप सबको। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बाजरा ले लिया, ये आप देख सकते हैं बाजरा लिया मैंने, ये बाजरा आम बाजरा जो मिलता है वो है, मिलता है वो है। आप चाहें तो चने की दाल भी ले सकते हैं, या फिर चने की दाल में ये होता है कि उसको भिगोना पड़ता है, ठीक है, इसको ऐसे रखना है, मुंह खोला और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा करके बस। आप देख सकते हैं कि इसको मुंह खोल के, ये मुंह खोला हमने, जैसे इसको ऐसा रख के थोड़ा थोड़ा करके डालते रहते हैं। देख सकते हैं ऐसी तरीके से खुद ही सीख जाएगा। लेकिन ये डर अभी डर रही है हमसे, मुझसे डर रहा भी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देखा है, मतलब कि फर्स्ट टाइम इसको इस तरीके से कर रहा है, नहीं है वैसे तो माँ बाप कर पाते हैं, फर्स्ट टाइम है ये, तो इस वजह से ना थोड़ा घबराता है कबूतर। जब तक ये फ्रेंडली नहीं हो जाए ना, खुद से फीड नहीं मांगेगा, जब तक ये आपसे मानूस नहीं हो जाए, जब तक ये टेम नहीं हो सकता। जैसे तोते ऑस्ट्रेलियन है, ये भी मानूस हो गए हैं मुझसे, पहले शुरू शुरू में कितने पहले डरते थे बहुत, लेकिन अब हो गए मानूस। तो इस वजह से इसको भी 3-4 दिन लगेंगे अभी मानूस होने में, लेकिन ये हो जाएगा जब तक खुद फीड नहीं मांगेगा, ये खुद फीड नहीं मांगेगा ना, जब तक ये मानूस नहीं हो सकता, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जब आप खिलाते हैं तो आपके सिंक जो होती है नॉर्मल सिंक, वो 1 से 2 पानी की देनी है, जैसे पानी खुद भी पी लेगा, उसको प्याली में चोंच भिगोनी है बस, वही खुद पानी पी लेगा वैसे तो। लेकिन ज़्यादा अगर कुछ करना नहीं है तो इस तरीके से कर लें वैसे, वरना तो फिर सिरिंच है, सिरिंच नहीं है तो आपके पास तो ये तरीका बेहतर है, वरना तो सिरिंच से पिलाएं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिरिंच से सही तरीके से पानी पिलाया जाएगा, पता चल जाएगा, या ना ये कम करे ज़्यादा करे, ये खुद पे हो इसके ऊपर डिपेंड, उस पर तो ठीक है। आपको मैं पानी पिला, मैं अभी थोड़ी देर में आपको पानी की पानी पिलाते हुए भी दिखाऊंगा, जब तो मैं इसको खिला लूँ। पहले से पहले भी मैंने थोड़ा बहुत खिला चुका हूँ, अगर वीडियो के लिए या दूसरी टाइम में दे रहा हूँ इसको खुराक वैसे तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी मानूस होगा, जितनी जल्दी तो उतनी ज़्यादा बेहतर है। वैसे अभी थोड़ा थोड़ा करने का मकसद ये है कि इसको ना ज़्यादा होगा तो थोड़ा मसला ना हो, फर्स्ट टाइम मेरे एक्सपीरियंस है ये कबूतर का, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हो ज़्यादा बेहतर बीमार हो ये। वैसे हेल्दी माशाल्लाह बड़ा हेल्दी है ये, तो अभी देख कुछ दिन बाद देखता हूँ, कल या परसों वो उसकी भी चूड़ियों की और तोतों की फीडिंग की भी बताऊंगा मैं आपको, कैसी फीडिंग देते हैं क्या करते हैं। तो इस वजह से आपको मैं थोड़े दिन इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि कंप्लीट वो फीडिंग वीडियो जो है ना वो अभी आएगी थोड़े दिन में, लेकिन इसको आप चेक करना है पौधा पूरा हो गया या नहीं, पौधा पूरा हो गया हो तो ये इसको पानी देना है फिर। कल की वीडियो जब मैं इसकी स्टोरी थी, माजर चाहता हूँ उसकी आवाज़ हल्की है क्योंकि कैमरे में माइक नहीं है, माइक बहुत स्लो है, तेज़ बोलना पड़ता है, वो मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट किया था कैमरा मैंने, तो आज मैंने
आज मैं सही बना रहा हूँ, उसकी मैंने जब अपलोड करी और जब पता चला कि अपलोड करने के बाद सुनता हूँ तो उसके बाद पता चला कि वो उसकी आवाज़ स्लो है बहुत, तो इस वजह से देखिए सुकून में आ गया है अभी, का पेट पूरा भर गया है इसका मतलब है, और फुल तो नहीं भरा है लेकिन हो गया अच्छा खासा है, लेकिन सुकून में है अभी, पहले कैसा खड़पड़ आ रहा था लेकिन अब आ गया ये सुकून में थोड़ा सा। फिर अब आप देख सकते हैं ये मैं लिया है और ये पानी, इसमें थोड़ा सा पानी लिया पहले मैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका पकड़ने के बाद, पकड़ने और चोंच दबानी है, जो चोंच वो गर्दन के बीच में उंगली होनी चाहिए, फिर दोनों उंगलियाँ गर्दन के बीच, दोनों उंगलियों के बीच में गर्दन होनी चाहिए, ठीक है ऐसे रख के ये हिलजुल नहीं होगी। ये देख सकते हैं ये पानी की डिब्बा है, ये पानी खुद देखें खुद पी रहा है अभी, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है अब पी लिया है इसमें पानी, देख सकते हैं अच्छा खासा हो गया फूटा फुल है, तो अब इसको हम वापसी छोड़ देंगे। तो आपको पसंद वीडियो पसंद नहीं हुई तो लाइक शेयर कमेंट्स, और आपको आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा, प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें नई नई वीडियो के लिए मेरी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं, और बर्ड्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, और बर्ड्स मैंने मंगाए हैं हिंट टीम करने के लिए, कॉकटेल और फिंच के बच्चे हैं, और वो है क्या नाम है फिंच, फिंच है फाफते के बच्चे हैं, और वो मंगाई है बुलबुल मंगाई है मैंने, बुलबुल होती है ना मैना बुलबुल, वो मंगाई है मैंने हिंट टीम के लिए, तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी आएंगे उतनी आपको फिर हम नई अपडेट देंगे उसके लिए, तो आप बने रहिएगा मेरी वीडियो के लिए साथ, ठीक है जब तक के लिए अल्लाह।